जीत फिक्स। आज से तुम चार बार नहाओगे, दो बार पानी से और दो बार पसीने से, और पसीने से इस तरह जैसे कि सच में पानी से नहाते हो। लंबी दौड़ और लंबी स्माइल जिंदगी की कई बेस्ट दवाओं में से दो हैं। आज ज्यादा दौड़ लोगे तो सिर्फ आज दर्द होगा, लेकिन अगर डेली दौड़ोगे तो तुम्हारी फिटनेस और लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हें वहां जीतना है जहां से वापस हार के नहीं आ सकते। जब तुम्हारे पैर तुम्हें रोकने के लिए बोले तो सुनना मत, क्योंकि बात धीरे या तेज दौड़ने की नहीं है, बात है फिलहाल तुम्हारे दौड़ खत्म करने की, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस है। लेकिन जितना पसीना तुम यहाँ बहाओगे उतना ही वहाँ टाइम बचाओगे। बहाने बनाना बंद करो कि तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं, आज गर्मी ज्यादा है, आज सिर भारी हो रहा है। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो, अपने कंफर्ट जोन को लात मारो। तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, तुम एक विजेता हो, बस वो दिन आया नहीं है, अभी आने ही वाला है। जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में दो सिग्नल आते हैं, एक बोलता है कि रुक जा और एक बोलता है कि खत्म करना है। इस रुक जा वाले सिग्नल को वहीं रोक देना, उसको दूसरे वाले सिग्नल पर हावी मत होने देना, क्योंकि दौड़ तुम बहुत सकते हो और असली बात तुम्हारी दौड़ की नहीं है, असली बात यह है कि तुम अपने दिमाग के इन दोनों सिग्नलों में से कौन से सिग्नल को विजेता बनाते हो। अगर तुम में हिम्मत दौड़ शुरू करने की है, उसका चैलेंज स्वीकार करने की है, तो उसको फिनिश करने का साहस भी है। अगर तुम चाहो कि कल तुम वो सब कर सको जो कोई और ना कर सके, तो तुम्हें आज भी वो करना होगा जो हर कोई कभी ना कर सके। जब तुम्हें दौड़ने के लिए एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, तब तुम अपने नाइट्रोजन बूस्टर को ऑन करके वेट करना। तुम्हारा बूस्टर है तुम्हारा ये सोचना कि अब करने का वक्त आ गया है। जिस भारत माँ की रक्षा के लिए मैं वर्दी पहनने वाला हूँ, उसके लिए ये दौड़ कुछ भी नहीं है। भारत माँ उनको ही वर्दी पहनने का अवसर देती है जो ऐसा इंसान हो जिसके कदम धरती पर पड़ते ही दुश्मन कांप के भाग जाए। इसलिए तुझे बाकी लोगों से अपने आप को बेस्ट साबित करना है। इसमें तुझे इतनी ताकत लगानी है जितनी किसी जंग में लगाओगे, और फिर जब दौड़ शुरू हो जाएगी तब एक चीता की तरह फॉर्म में आ जाना। तुम्हें शुरू में लगेगा कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में लगेगा कि अब मेरा पुनर्जन्म हो गया है, मैं चीता बन गया हूँ। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा, जो मुझसे टकराएगा वो अपना हिसाब खुद देखेगा। मुझे अपने दिमाग में हर वक्त ये बोलते रहना है कि रुकना मत, दौड़ता रहे, रुकना मत जब तक तेरा शरीर ना गिर जाए, रुकना मत जब तक तेरी दौड़ खत्म ना हो जाए, रुकना मत जब तक तेरा पसीना धरती माँ का स्पर्श ना कर ले, और जब वो धरती माँ को स्पर्श कर ले तब तुम अपना दूसरा वाला नाइट्रोजन बूस्टर ऑन करना। और वो नाइट्रोजन बूस्टर होगा तुम्हारा ये सोचना, अब तो मुझे मैं खुद भी नहीं रोक सकता, मेरा दिमाग भी नहीं रोक सकता, मेरे चारों तरफ के लोग भी नहीं रोक सकते। दिमाग जब रुकने के लिए बोले तो उसको रिप्लाई देना कि जिस इम्तिहान के लिए मैंने इतने पसीने बहाए थे, मैंने इतनी दौड़े लगाई थी, उस इम्तिहान के मकसद को आज अंजाम देकर ही रुकूंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। शरीर वही करता है जैसा उसका दिमाग कहता है, इसलिए तुम अपने दिमाग को काबू में रखना और उसके तुम्हें रोकने वाले सिग्नल को कुचल देना। अगर तुम पीछे होने लगो तो याद दिलाना अपने आप को अपने इतिहास के बेहतरीन दिनों को, कि और लोग भले ही तेज दौड़ रहे हो लेकिन तुम उनसे भी तेज दौड़ चुके हो पहले प्रैक्टिस में, इसलिए यहाँ पर भी उनसे तेज दौड़ोगे। याद रखना, आधी दौड़ पैरों से होती है, आधी दिमाग से। दिमाग दौड़ने का विरोध करे तो मत करने देना। तुम्हें तब तक नहीं रुकना जब तक तुम गिर ना जाओ, तुम्हें तब तक नहीं रुकना जब तक तुम फिनिश नहीं कर जाओ। कभी कभी तुम इतना बड़ा कर जाते हो जितना तुम्हें लगता नहीं है, क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने के काबिल होते हो। ये दौड़ भी तुम्हारी उन महान दौड़ों में से एक होगी, क्योंकि तुम शुरू में नर्वस रहोगे, पर फिकर मत करना, ये नेचुरल है, सबको होती है। उसके बाद तुम भीड़ से डरोगे, लेकिन गिरने से डरना मत, आगे बढ़ते रहना। उन लोगों के बारे में सोचना जिनके पैर नहीं है और वो बहुत दौड़ना चाहते हैं, और अगर तुम्हारे पैर हैं तो वो दौड़ने के लिए ही है। और जब तुम्हें अपना टारगेट दिखने लगे तब अपने आप
को चीता के नाम से पुकारना कि चीते दौड़ चीते दौड़ चीते। वो चीता जो अगर एक ही दौड़ में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया तो शायद उस दिन वो खाना नहीं खा पाएगा। देखने वालों को लगना चाहिए कि चीता आ रहा है, हवाएं कांप रही है। देखने वालों को लगना चाहिए कि यही भारत माँ का असली लाल है। और जब तुम लाइन क्रॉस कर दो, जय जयकार करना भारत माँ की, जैसे कि तुमने उसका मान बढ़ा दिया हो। दहाड़ मारता एक चीता की तरह, जैसे मानो उसने अपना शिकार पकड़ लिया हो। वो दिन तुम्हारा सबसे महान दिन होगा जब तुम उस दौड़ को पास कर जाओगे। इसलिए अब उठो और जाओ दौड़ लगाने। लेकिन जाने के पहले लाइक शेयर और जीत फिक्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम अगर फिर से टूटे बीच में रुके तो मैं तुम्हें जोड़ने फिर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।